सो हे गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने फोन में अपने फोन को यहाँ पे पूरा कस्टमाइज कर रखा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एनिमेशन जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना ड्रैगन बॉल जी का, भाई वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि आप लोग अभी ये देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा ये स्लाइड करना, मतलब सीढ़ियों की तरह यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ रहा है। सिंपल सा इसमें से जो भी एप्लीकेशन आपको यूज करना है, आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे हाइक यूज करना है तो हाइक पे मैं क्लिक करूंगा, मेरा हाइक यहाँ पे ओपन हो चुका है। सेम इसी तरह आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा ना, सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना है एंड आपका यहाँ पे एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जीमेल है यहाँ पे, एफएम रेडियो, फ्लिपकार्ट, फाइल मैनेजर, फेसबुक, जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करते आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप लोग ये खुद देख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड फोन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो एंड ऐसे एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो जिससे कोई भी बंदा देखेगा ना तो भाई पूछेगा आपसे कि भाई ये तूने कैसे किया यार। आप अगर अपने फोन को चला चला के बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को अपने फोन को कस्टमाइज करने का बताऊंगा एंड आप अपने फोन को कस्टमाइज करके आप उसे न्यू लुक से आप उसे यूज कर सकते हो। बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिल जाएगा क्लॉक का, यहाँ पे सेटिंग का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। इधर इधर में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे तीन चार आइकन मिलेगा, जैसे कि आपका यहाँ पे एक ब्राउजर हो गया, आपका कैमरा हो गया, आपका कॉलिंग करने का एंड यहाँ पे सर्च का। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन इसमें नहीं मिलता है तो सिंपल सा यहाँ से सर्च कर सकते हो उसके नाम से एंड एप्लीकेशन ले सकते हो। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। भाई लोग, सबसे पहले करना क्या होगा ना, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है। बेसिकली आप लोगों को सबसे मैं फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, ये आपका लाइव जो यहाँ पे वॉलपेपर देखेगा ना, ये आपको कहाँ से मिलने वाला है, जो एनिमेशन रहेगा। यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पे आपको ढेर सारे यहाँ पे पिक्चर्स भी देखने को मिलेगा, सिंपल सा वॉलपेपर, या अदरवाइज आप यहाँ पे लाइव यूज करना चाहते हो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लाइव का यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। ये थोड़ा हो सकता है लोडिंग में टाइम लगे या आपके फोन में यहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम करे, तो आपके फोन में अगर ज्यादा स्पेस है तभी आप यूज करना। आपका फोन अगर ज्यादा हैंग होता हो तो भाई लोग ये यूज मत करना, क्योंकि यार थोड़ा लोडिंग में टाइम लेता है। मेरे फोन में खुद लोडिंग में टाइम लगा, लेकिन मेरा फोन जो है 6GB रैम 128GB रोम का है, तभी यहाँ पे थोड़ा स्पेस जो है इसी वजह से हो पाया। आपके फोन में अगर नहीं चलता है तो भाई थोड़ा स्पेस करो, डेफिनेटली चलने वाला है। उसके बाद यहाँ से कोई भी आपको यहाँ पे वॉलपेपर चॉइस करना है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी एंड स्पाइडरमैन, यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। एंड एक बात आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ भाई, ये जो एप्लीकेशन का जो ओनर है ना, वो डेली बेसिस पे यहाँ पे एक न्यू वॉलपेपर यहाँ पे लाइव अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्त एंड कूल एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर वाला। आप इसमें से कुछ भी एक चॉइस कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसे चॉइस कर रखा है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी वॉलपेपर हो उसे चॉइस करना है, सिंपल सा। एंड उसके बाद यहाँ पे लोडिंग वॉलपेपर लिखेगा, लोडिंग लाइव वॉलपेपर, यहां पे आपका थोड़ा टाइम लगेगा। एंड नीचे में जैसे यहां पे देख लीजिए, आपका पूरा टाइमिंग यहां पर पूरा लोड हो जाता है ना, तो अप्लाई नाउ का बटन आएगा, सिंपल सा आपको अप्लाई पे क्लिक करना है एंड अपने डेस्कटॉप साइड क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपका वॉलपेपर देख लीजिए अप्लाइड सक्सेसफुल लिख के आएगा एंड आपका वॉलपेपर अप्लाइड हो चुका है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहां पे अपना जो सीढ़ी वाला था ना, वो आप कैसे ले सकते हो, वो आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। भाई लोग, अभी आप देख सकते हो मैंने वॉलपेपर अप्लाई किया, लेकिन मेरे फोन में अभी तक नहीं आया, क्योंकि यार अभी थोड़ा लोडिंग में टाइम लगेगा, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा लेट हो जाता है। आपके फोन में अगर प्रॉपर ये लोड हो जाता है तो आप इसे अप्लाई करना। मेरे फोन में प्रॉपर अभी लोड नहीं हुआ था, तभी मैंने अप्लाई किया, तो इस वजह से नहीं आया। तो चलिए अब आप लोगों को सेकंड एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सेकंड एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एनिमेशन कुछ इस तरह का स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने फोन को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन पैक पूरे यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको सिंगल एक ही स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, कि आपको यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे नीचे में आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि कॉलिंग का, कैमरे का, ब्राउजर का एंड एक सर्च बार का। एंड एक और बात यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका टाइमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से सिस्टम पे क्लिक करना है। आप इसे चाहो तो बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो।
आपको नहीं पता कैसे बाय डिफॉल्ट सेट करना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बना रखा है। अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आप लोगों को कंफर्म होगा कि बाय डिफॉल्ट कैसे सेट करना है। एंड आप देख सकते हो जो मैंने वॉलपेपर अप्लाई किया था, यहाँ पे वॉलपेपर आ चुका है अप्लाई होके। जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि भाई थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, लोडिंग होके वॉलपेपर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इधर सेटिंग पे क्लिक करना है। आप यहाँ से अपना कस्टमाइज भी कर सकते हो, अलग अलग आपको कलर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं ये बता देता हूँ एक चीज का कलर है, आप लोग ये देख सकते हो ना सीढ़ी की तरह यहाँ पे ऊपर बढ़ रहा है घट रहा है, आप इसको कलर दे सकते हो। सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप ये सब कलर देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग कलर मिल जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे सील, यहाँ पे क्लॉक ऑप्शन मिलेगा। अगर इसे आप डिसेबल करोगे तो आपके स्क्रीन से जो घड़ी का आइकन था वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए अभी घड़ी का आइकन गायब हो चुका है। आपको अगर घड़ी का आइकन चाहिए तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इधर आना है एंड सी क्लॉक पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे दोबारा सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे लॉगिंग ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कुछ भी ऐसा नहीं करना है एंड आपको अपने इस लॉन्चर को बाय डिफॉल्ट सेट करना है। आप लोगों को कंफर्म होगा कि सेट कैसे कर सकते हैं। अब तक इतनी आप लोगों ने वीडियो देख लिया, सारे वीडियो में लगभग जितनी भी पिछले मैंने वीडियो बनाया था उसमें सब कुछ मैंने बताया था कि कैसे आप उसे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। सो आई होप आप समझ चुके हो कि इसे कैसे यूज करना, अपने फोन को कैसे कस्टमाइज करना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।